हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस स्टेनोग्राफी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सक्सेस स्टेनोग्राफी नाम से हमारा पहले से एक प्ले स्टोर पर ऐप है, जिसके थ्रू आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफी सीखना चाहें, चाहे आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखना चाहें, कंप्लीट बेसिक कोर्स डाला हुआ है, जिसमें बेसिक टू एडवांस आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। और बहुत अच्छा कोर्स बनाया है, सभी अपना बेसिक कोर्स, जैसे कि आजकल रिटन के बाद में स्किल टेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप वहाँ से बेसिक कोर्स परचेज करके, और उसमें डिक्टेशन भी हमने डाले हुए हैं। बेसिक कोर्स के बाद में स्लो स्पीड में डिक्टेशन है, जिसमें आपको आउटलाइंस बनती हुई दिखती हैं, तो उसके थ्रू आपको बहुत कम समय में स्पीड भी बनती है। आप बहुत अच्छा कोर्स है, आप ज़रूर विजिट करें। और अभी हमने बेसिक कोर्स के बाद में आपको आगे के लिए, जैसे कि आपको टाइपिंग सीखनी होती है, तो उसके लिए हमने हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया है, और उसी सॉफ्टवेयर पर आप टाइपिंग के साथ साथ शॉर्ट हैंड का ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें आप हिंदी स्टेनोग्राफी का ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट देना चाहें या इंग्लिश का, आप घर बैठे ही अपने टाइम के हिसाब से कितना भी ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपका, मैं पूरा एक एक सब करके दिखाता हूँ आपको। तो आप जाएंगे यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर, सॉरी गूगल क्रोम पर, यहाँ पर न्यू टैब में सक्सेस स्टेनोग्राफी, यहाँ पर पहले से ही सर्च में आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर successstenography.com सबसे ऊपर ही आ गया, इस पर हम लॉगिन कर लेंगे। ये तो यहाँ पर इसमें इस जैसे इस तरीके से ये दिखता है, यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर वगैरह भी शो हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, तो आपको कोई इशू आने पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से दिखता है, जो हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें साइन अप करना पड़ेगा, तो साइन अप पे जाएंगे इस तरीके से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर डाल के आप अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको फिर से साइन इन में जाना है और यहाँ पर साइन इन कर लेना है। यूज़र नेम डाल के पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अपने किसी स्टूडेंट्स के आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये लॉगिन हो चुका है इस तरीके से, यहाँ पर ये जिसमें कोर्सेज शो हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 100 वर्ड पर मिनट हिंदी डिक्टेशन भी कोर्स बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि अभी इसमें डिक्टेशन ज़्यादा अपलोड नहीं हुए हैं, इंग्लिश में भी कम ही हैं, फिर भी हम इसको आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके से अभी इसमें हिंदी में 3 ही डिक्टेशन अपलोड हो पाई हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए भी बनाया हुआ है, और इसमें नीचे SSC स्टेनो का भी है, जिसमें हमने ऑलरेडी 200 प्लस डिक्टेशन अपलोड किए हुए हैं हिंदी डिक्टेशन। इस पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर ये इस तरीके से फोल्डर शो होंगे। तो जैसे 80 वर्ड पर मिनट है, इसमें जाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, ये इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत सारे डिक्टेशन अपलोड हैं, कई ये फोल्डर हैं ये, तो इसमें आप डिक्टेशन लिख सकते हैं, और लिखने के बाद में आप ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश का 80 वर्ड पर मिनट पर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्किल टेस्ट के लिए हमने बनाया हुआ है, इसमें भी हमने 150 से ज़्यादा डिक्टेशन अपलोड किए हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक पे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पे, जैसे इसमें कोविड पे आ गया,
यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर है, पंजाब से रिलेटेड है, दिल्ली विश्वविद्यालय, मोदी सरकार, चाइना का टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया, आसियान हो गया, शिक्षण संस्थान का हो गया, क्रिकेटर, कांग्रेस नेता और क्रिकेटर नवजोत सिंह यानी क्रिकेट्स के ऊपर हो गया। यानी इस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन्हीं डिक्टेशंस को हाई कोर्ट के लिए, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक कवर हो गए। अध्यात्म से रिलेटेड भी हमने इसमें डिक्टेशन डाले हुए हैं, दलाई लामा, तिब्बत, ईसा मसीह, तो और जैसे यहाँ पर नीचे आ रहा है वोटिंग मशीन, तो आप इनको ज़रूर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। अब इसमें वापस आ जाते हैं और यहाँ पर नीचे इंग्लिश डिक्टेशन फॉर बिगनर्स, यानी बेसिक कोर्स करने के बाद जिन लोगों की स्पीड कम होती है तो वो लोग भी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। इसमें हमने देखिए यहाँ पर ये डिक्टेशन डाले हुए हैं, और यहाँ पर हमने एक काम और किया है, जैसे इस पे फर्स्ट डिक्टेशन पर क्लिक कर लेते हैं, ये हो गया इस तरीके से आपको ये दिखता है। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट जैसे ही बेसिक कोर्स ख़त्म करता है तो वो सारे आउटलाइंस खुद नहीं बना सकता है, उसको आउटलाइंस की ज़रूरत पड़ती है, आउटलाइन फ्रेजेस मैं कैसे बनाऊं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने पीडीएफ अपलोड किया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है। एक सेकेंड, अभी ये डाउनलोड अगेन, हाँ ये डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से आप पीडीएफ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे वर्ड्स यहाँ पर हमने नीचे ही बनाए हैं ताकि आपको एक एक वर्ड कैसे बन रहा है आपको देखने को मिल सके, कितना फ्रेज बनाना है, कैसे आपको ज्वाइन करना है, प्लेसिंग कैसे करनी है, यहाँ पर आप पहले देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हिसाब से एक दो बार, फिर उसके बाद इसमें आप डिक्टेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम प्ले करके दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप जैसे डिक्टेशन यहाँ पर प्ले हो जाएगी। मिस्टर वाइस चेयरमैन, आई एम ये वेरी डिक्टेशन प्ले हो चुकी है, ग्रेटफुल टू यू एंड तो आप टू द डिक्टेशन प्ले होते गवर्नमेंट ही आप अपने शॉर्ट फॉर हैंड पैड में हैविंग डिक्टेशन लिख लेंगे, प्रोवाइडेड एन और अपॉर्चुनिटी फॉर द आवाज़ आपको नहीं डिफेंस सुनाई दे रही होगी क्योंकि मिनिस्ट्री बीइंग इसमें डिस्कस्ड जो इन दिस हमारा माइक हाउस अटैच है इस वजह एंड से आवाज़ दिस नहीं आ रही है। बीइंग द फर्स्ट ओकेजन तो अब इसको आई बंद कर देते डीम हैं। अब आपने डिक्टेशन लिख ली तो आप ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। इसमें हमने 30 मिनट का समय फीड किया हुआ क्योंकि आपको टाइप करने के लिए वर्ड हमने इसमें 400 दिए हैं, तो 400 वर्ड को आप 30 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, टाइम पहले से सेट किया हुआ है। अब स्टार्ट कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ये खुलेगा। सेम एसएससी में भी कुछ इस तरह का ही आपको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए पोर्टल उनका है। तो जैसे कि अब हम थोड़ा सा टाइप करके आपको दिखा देते हैं, मिस्टर वाइस चेयरमैन, हमने टाइप कर दिया। अब कॉमा लगा देते हैं, फिर है आगे आई एम, तो आई यहाँ पर इसको हम स्मॉल रखते हैं, आई एम। अब इसको सबमिट करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये दिखेगा रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर ये आपका रिजल्ट बन गया, हमने टोटल वर्ड टाइप किए हैं 4। अभी यहाँ पर ये पास्ट शो हो रहा है, ये हमने यहाँ पर लिमिट सेट नहीं की हुई है इस वजह से हो रहा है, बाकी तो यहाँ पर आपको कम वर्ड आपने टाइप किए तो फेल ही शो होगा। तो ये 3 वर्ड हैं, आपको डिटेल में देखना चाहते हैं कि आप ये किस तरीके से है, तो आपको यहाँ पर मैं अभी दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप सेट कर लेंगे। हाँ ये देख सकते हैं आप, सबमिट हो चुका है, फिर से कर देते हैं।
ये सबमिट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये रिजल्ट बनेगा। ये जस्ट आपके लिए एक डेमो है। आप इसको रिजल्ट कैसे काम करता है इसके लिए मैंने एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि हमारा ये रिजल्ट सेक्शन कैसे काम करता है। और निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये बहुत अच्छा काम करता है। आपको घर बैठे ही आप क्या गलती करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, ये सारी चीज़ें आपको ये बिल्कुल क्लियर बताएगा। तो ये इस तरीके से है। अब है आगे हम आपको टाइपिंग का भी दिखा देते हैं कि जैसे आपको टाइपिंग सीखनी है तो हिंदी टाइपिंग ट्यूटर मंगल, हाई कोर्ट में आपको मंगल इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग मांगी गई है, जिसमें आप ये मंगल इंस्क्रिप्ट का है, जिसमें हमने इस तरीके से एक्सरसाइज बनाई हुई हैं बेसिक कोर्स, ये इस तरीके से इसमें एक्सरसाइज खुल रही है। तो फर्स्ट ये होम रोप है, ये यहाँ पर फिंगर भी शो हो रहे हैं किस तरीके से आपको कहाँ पे कैसे हाथ रखने हैं और क्या मैटर टाइप करना है, ये अपने आप स्क्रॉल होता जाएगा। तो ये है टाइपिंग का ट्यूटर, यहाँ पे आप टाइपिंग सीख सकते हैं। और टाइपिंग सीखने के बाद आपको यदि ट्रांसक्रिप्शन करना है तो उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट में जाना होगा। टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, कोई नहीं, इस पर आप इधर से क्लिक करके ऑल कोर्स पर जाएंगे, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर कैटेगरी आएगी, टाइपिंग सीखनी है या आपको टाइपिंग टेस्ट देना है या स्टेनो का टेस्ट। तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और लैंग्वेज यहाँ पर शो हो गई, इंग्लिश की करनी है या कुर्तीदेव पर मंगल पर। टाइपिंग हमारा सारा तैयार हो चुका है, चाहे वो कुर्तीदेव पर करना चाहें, आप मंगल पर करना चाहें या इंग्लिश करना चाहें, ये कोर्सेज हमारे एकदम तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम मंगल पर जा रहे हैं तो इस तरीके से खुलेगा व्यू। ये हमने वेरियस टॉपिक्स बना रखे हैं, इसमें आपको संपादकीय डिक्टेशन ये बहुत कठिन हो जाएगा, बिजनेस से रिलेटेड, आध्यात्म से, विज्ञान से, जीवनी, कोर्ट रिलेटेड मैटर भी इसमें हमने डाले हुए हैं टाइपिंग करने के लिए। तो जैसे कि हम जाना चाह रहे हैं इसमें आध्यात्मिक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये खुल गया है। अब है ये सबसे पहली एक्सरसाइज खोल लेते हैं ये। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप कितने मिनट टाइप करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम हो उसी हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें, कि जैसे हाई कोर्ट में 10 मिनट की मांगी है तो आप 10 मिनट सेलेक्ट कर लेंगे और ये स्टार्ट। और यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपको मिनिमम कितने बार टाइप करने हैं, इस तरीके से इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे मेन बात यहाँ पर है कि आपको हाइलाइटर ऑफ रखना है, ऑन रखना है, तो अपने हिसाब से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हाईलाइट ये ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बैक स्पेस फ्री रखना है आपको, लॉक आफ्टर स्पेस रखना है तो ये फुली लॉक रखना है, तो आप फुली लॉक पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर बैक करने का ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप सिर्फ टाइप कर पाएंगे, आप बैक नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर बैक स्पेस फ्री रखते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कीबोर्ड अटैच करके चाहे तो मोबाइल पर टाइपिंग कर सकते हैं या फिर आप अपने लैपटॉप पर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ आपको, हिंदी सेलेक्ट करके यहाँ पर ये समर्पण, ये समर्पण आ गया। और इस तरीके से ये आप टाइप करते जाएंगे और अपने आप स्क्रॉल होता चला जाएगा और ये सबमिट कर देंगे, आपका रिजल्ट बन जाएगा इस तरीके से। एक वर्ड हमने टाइप किया था, ये ओरिजिनल पैराग्राफ हो गया और यहाँ पर ये आपका ये आपने टाइप्ड बाय यू, आपने एक वर्ड टाइप किया और एक वर्ड यहाँ पर ये करेक्ट शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप घर बैठे अपने टाइम पे आप कभी भी जब आपको टाइम मिले
आप इस पर सीख सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स की ये रैंक भी बन जाती है, जैसे कि ये टेस्ट कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है, जैसे इसको खोल लेते हैं तो ये यहाँ पर रैंक भी शो हो जाएगी, ये इस तरीके से। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर आपके लिए टाइपिंग सीखने से लेकर और टाइपिंग ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, टाइपिंग शॉर्टहैंड का बेसिक कोर्स के लिए सारे प्लेटफॉर्म्स हमने बना दिए हैं। आप घर बैठे ही शॉर्टहैंड सीख सकते हैं। बेसिक कोर्स सक्सेस स्टेनोग्राफी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके और गूगल पर successstenography.com पर जाके आप टाइपिंग सीख सकते हैं और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट भी दे सकते हैं।